नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया है, उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। हाँ दोस्तों, मेरा गीता कुकिंग वर्ल्ड करके चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब और लाइक करना है और आगे बढ़ाना है और दोस्तों के शेयर करना है। आपको लगा मैम क्या घड़ी घड़ी मतलब गीता कुकिंग वर्ल्ड चैनल बोलती है? मुझे ऐसा लगता है कि जो नए सब्सक्राइबर हो गए, जो नया चैनल मेरे देखते हो, पहले के वाले तो उन्होंने भी जैसे गीता लेडीज टेलर देखते हो वैसे कुकिंग वर्ल्ड भी देखना है दोस्तों। ओके, अभी आपने तो इसकी स्टिचिंग देखी होगी, सॉरी कटिंग देखी हुई होगी। तो आज हम इसकी स्टिचिंग बताने जाए, मतलब फ्रंट साइड और बैक साइड डिजाइन है और प्रिंस कट है और जरा थोड़ा बहुत अच्छा है, जैसे सीरियल में पहनते ही है कलाकार लोग, तो वैसे हमको आज सिलना है ब्लाउज। हम थोड़ा ये साइड रख लेंगे, हम पहले बैक साइड यानी पीछे का पार्ट तैयार कर लेंगे दोस्तों। ओके, हमने फेविकोल से पहले ही चिपका दिया है, अभी ये भी थोड़ा साइड रख लेंगे। पहले हम पाइपिंग लगा लेते हैं, हमको ये साइड पहले पाइपिंग लगा लेनी है, जैसे कि मैंने पट्टी ले ली हुई है। अभी हम इसको वन साइड सिलाई कर देंगे, बहुत आसान है, मतलब बहुत इजी है दोस्तों। हमने पहले वन साइड कर लेना है इसी तरह से, देखा है दोस्तों हमने को ये पार्ट है हमारे यहाँ पे है। ओके, पहले हम इसको पाइपिंग लगा लेते हैं, ऊपर से ही जॉइंट करने वाले, शॉर्टकट है हमारा पैटर्न, वो कटिंग भी अच्छी है दोस्तों। आपको कटिंग का वीडियो, इसके आगे का कटिंग का भी वीडियो ही है मेरा, कभी आपको नहीं दिखा तो आप स्टिचिंग कटिंग का वीडियो देख सकते हो। अभी आपने देख लिया है दोस्तों, मैंने ऐसे लगा दिया, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा वो हम कटिंग कर लेंगे। अभी जहाँ राउंड राउंड में है, यहाँ नज़दीक नज़दीक हम लोग नॉचेस यानी कट कर लेंगे कैंची से, सिलाई को छोड़ के। अभी मैंने हर जगह कट कर लिए, अभी हम पाइपिंग लगा लेते हैं दोस्तों अच्छी तरह से। ऐसी ही पाइपिंग लगानी, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, सेम वैसी लगानी, देखना है अपने पीछे। वो पतली पाइपिंग चाहिए दोस्तों, जाड़ी पाइपिंग नहीं चाहिए, इससे हमारा ब्लाउज का फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। हाँ दोस्तों, मैंने जिसको भी व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना है तो मैंने लिंक भेजी है दोस्तों, मुझे कमेंट बहुत आ रही है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, तो प्लीज़ आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने लिंक भेजी, आप उसके अंदर ऐड हो सकते हो। ओके, अभी हम सब ऐसी पाइपिंग लगा लेते हैं। अभी हम इसको पाइपिंग लगाना है, इसको भी पाइपिंग लगा लेते हैं और इसको भी पाइपिंग लगा लेते हैं, सेम यही प्रोसेस। ओके दोस्तों, हमने ऐसा पॉइंट निकाला था, ओके हमें ये पॉइंट नहीं चाहिए, मैं आपको बताई थी, क्योंकि क्या होता है सब कटिंग का वीडियो देखते स्टिचिंग का नहीं थे, इसलिए मैंने इसको सीक्रेट रखा था। ओके, अभी हम जो यहाँ पे थोड़ा हल्का सा डाउन करेंगे यानी कव करेंगे हल्का सा, ओके इसको ऐसा ले लेंगे, हमें यहाँ पे हल्का सा कव करना है एकदम। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा, है ना ये, इसीलिए इसकी कटिंग कर ली है दोस्तों, आपने देखा ये। अभी हम इसको यहाँ भी ऐसी पाइपिंग लगा लेते हैं, जो हमारा ये एक्स्ट्रा बचा था तो हम लोग इसको यहाँ पे रख देंगे और इसको यहाँ पे रख देंगे। एक मिनट, और इसको यहाँ पे, ओके अब मैं इसकी स्टिच कर लेते हैं अच्छी तरह से। पैटर्न किया है दोस्तों थोड़ा, इसलिए आपको बता रही हूँ कम कपड़े में हम लोग कैसे पैटर्न किया जाता है। ओके, अब हम हल्की सी यहाँ पे स्टिच कर लेंगे पहले, फिर हम इस पर पाइपिंग लगा लेंगे। ओके, इसको भी सेम वही करेंगे, देख लेना है अच्छी तरह से। सिलाई ऐसे ही मार लेनी सब जगह,
बता रही हूँ दोस्तों, ये थोड़ा पैटर्न बहुत हटके और अच्छा बनाने वाला है। हम लोग, हमारे पास कम कपड़ा था पर हमने कम कपड़े में बहुत भारी वाला पैटर्न बना लिया। हम लोग टेलर तो हमको आना ही चाहिए, जो हम लोग ऐसा इसको छाट लेंगे हल्का सा, यानी और अच्छा सा कव दे देंगे, जो हमारी ये पैटर्न अच्छी तरह से दिखेगी। ओके, अभी हम यहाँ पे सब जगह हम यहाँ पे पाइपिंग लगा लेते हैं। अभी आपने देखा है दोस्तों, मैंने सब जगह पाइपिंग लगा ली है, जितने जितने हमारे पार्ट्स है उसको हमने सब पाइपिंग लगा ली है। अभी हम इसको थोड़ा साइड रख लेंगे। ओके, और आगे का भाग इसको भी थोड़ा साइड रख लेंगे। जो हमारा गोल राउंड था हम इसको ज्वाइन कर लेंगे अच्छी तरह से। ओके, हम अभी सिलाई मार लेते हैं। यहाँ से ही सिलाई मारने दोस्तों, बाद में फिर आगे को पाइपिंग लगा लेंगे। धीरे धीरे मारते जाना एकदम अच्छी तरह से, तो कपड़ा थोड़ा भी नहीं खींचना है। आप कपड़ा खींचोगे तो फिर आपका फिनिशिंग भी खराब हो जाएगी और जो हम लोग अच्छा पैटर्न बना वो भी दिखेगा नहीं बराबर, इसलिए हमें कोने कोने में भी सिलाई लेते जाना है धीरे धीरे करके। ओके, कभी आपको लगा हमको पैटर्न जम नहीं रहा तो आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा काटना है। एक्स्ट्रा कपड़ा काटने से क्या होता है, हमारा फायदा होता है, फिर हमको कुछ कम ज़्यादा हुआ, देखो अभी ये तो हम इसको ऐसे कटिंग कर लेते हैं, है ना, ऐसे ही करना। अभी इसको छाटना है थोड़ा हल्का, देखना है हमने बोट नेक में बनाया डिज़ाइन, कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा हल्का इसका छाट लेंगे। हो गया, अभी हम इसका गला तैयार करेंगे। पहले एकदम अच्छी तरह से रख लेना है सभी जगह, कम ज़्यादा हमारा होना नहीं चाहिए कुछ भी। ओके, देखना है, ये तो क्या होता है फिर बाय मिस्टेक हो जाती है। ओके, अभी हम मेजर टेप ले लेंगे। अभी ये चीज़ हमारी देखनी है, कभी भी बीच का सेंटर निकाल दूंगी मैं। हम लोग पार्टी वेयर ब्लाउज सिल रहे दोस्तों, इसकी कटिंग मैंने पहले वीडियो में दे दी हुई है, इसके आगे का ही वीडियो है। अभी हमने देखना ये कितना है हमारा, ढाई। अब इसको साइड में रख देंगे, ये ढाई। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग साढ़े चार ले लेंगे। अभी यहाँ पे हमने हल्का सा कर्व कर लेना है। यहाँ पे एक इंच नीचे उतरना है दोस्तों, एक इंच, नहीं तो यहाँ भी हमारी पाइपिंग नहीं आएगी। एक इंच यहाँ पे नीचे उतर के, ओके, तो हमें देख लेना है हमारी बराबर आ रही के नहीं, नहीं तो क्या होता है फिर हम लोग कटिंग करेंगे गले की तो बराबर नहीं जमेगा, एकदम करेक्ट। अभी हम इसकी, ओके, आपने देख लिया हुआ है एकदम अच्छी तरह से बैठ गया ये। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, आपको बता रही हूँ मैं कैसी कटिंग करनी है। अभी हमने कटिंग कर लेनी है एकदम अच्छी तरह से। इसके लिए मैंने आपको बताया था, आप लोग क्या करते हो दोस्तों, कटिंग देख लेते हो, स्टिचिंग का ही वीडियो नहीं देखते हो, फिर बाद में तो ये प्रॉब्लम हुआ मैम, वो प्रॉब्लम हुआ, तो मुझे टेंशन ज़्यादा आ जाता है। यार मैं इतना अच्छा कर रही हूँ आपको बता रही हूँ तो बाद में मुझे रीज़न क्या मिलता है, आप लोग स्टिचिंग का वीडियो नहीं देखते हो, है ना, तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ स्टिचिंग का वीडियो देख लेना है आपने। अभी यहाँ पर हम पूरा सिलाई मार देंगे अच्छी तरह से। ओके, अभी हम यहाँ पे पाइपिंग लगा लेते हैं, पहले जैसे इसको लगाए वैसे ही इसको पाइपिंग लगा लेते हैं। अभी आपने देखा है मैंने कैसे पाइपिंग लगा लिए। अभी हमारा मेन पार्ट है दोस्तों, अभी हम इसको यहाँ से यहाँ सिलाई करते जाएंगे। ओके, एकदम अच्छी तरह से रख लेना है। अभी हम यहाँ पे सिलाई करते गए,
पहले बड़ी सिलाई लेनी, परफेक्ट आया कि नहीं देखना है, नहीं तो क्या होता है गड़बड़ हो जाती है। आपके लिए वो बता रही हूँ मैं दोस्तों, एकदम अच्छा लेना है। ये आपने देखा ये, ओके अभी हम फ्रंट साइड सिलते हैं, अभी बैक साइड हो गया, अभी फ्रंट साइड देखा ये दोस्तों। अभी हम यहाँ से पूरा पहले स्टिच कर लेते हैं, नॉर्मल जैसे हम नॉर्मल स्टिच करते हैं वैसे ही स्टिच करना, ऊपर से स्टिच करना है। हमने यहाँ पे पूरा स्टिच कर लिया है दोस्तों दोनों साइड, ओके अभी हम ये थोड़ा एक साइड रख लेंगे और इसको हम ऐसे लगा लेंगे, इसको सिल लेंगे क्योंकि अपना बैक साइड है ये, सॉरी फ्रंट साइड। अच्छी तरह से देख लेना है, अभी इसको भी सेम वैसे ही लेना है, सेम वही प्रोसेस। एक्स्ट्रा जो हमारा कटिंग कर लेंगे बटन पट्टी पट्टी का जो होगा सीधा, ओके अभी आपने देखा ही दोस्तों, ओके अभी हम इसकी बटन पट्टी कांच पट्टी कर लेंगे, ओके तो हम इसके अंदर चैन लगाने वाले हैं। पहले हम सेम एक भाग ऐसे आपको बता देती हूँ, सेम वही वैसे ही करना है, इसको भी कुछ अलग नहीं करना है। एक्स्ट्रा कटिंग, लग सिलाई मार लेंगे, ओके अभी हमने ऐसा किया है, इसको ऐसा करके हम लोग इसे दबा देंगे कि हमारी चैन आ जाएगी। हमने दोनों साइड सेम ऐसा ही कर लेना है दोस्तों, सेम दोनों साइड यही प्रोसेस। हमने देखा है दोस्तों मैंने सेम वैसे ही पट्टी लगा ली, इसको भी सेम, इसको भी सेम। हम लोग चैन लगाने वाले, ये वाली चैन है हमारे दोस्तों, ओके अभी इसको थोड़ा साइड रख लेंगे हम लोग, और ये हमारा जो पीछे का भाग है हम इससे यहाँ पे थोड़ा ओपन करेंगे, यहाँ पे थोड़ा हल्का सा अपना टक्स पॉइंट लगाएंगे बैक साइड यानी पीछे, नहीं तो हम टक्स पॉइंट नहीं लगाए हमारा ब्लाउज पूरा उचक जाएगा यानी ऊपर ऊपर आएगा, मतलब कंफर्टेबल नहीं लगेगा हम लोगों को ब्लाउज जब हम लोग पहनेंगे तब। 2.5 इंच पे हम लोग यहाँ पे टक्स पॉइंट लगा लेते हैं अच्छी तरह से। अस्तर को लगाना है दोस्तों, इसको छोड़ देना है ऐसा, यानी आपको लगेगा नहीं हम लोग टक्स पॉइंट डाले या कि नहीं डाले, ओके अभी हमने शोल्डर जॉइंट करने, देखा आपने लगा रहा है, लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। अभी हमने शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं, जिससे नॉर्मल हम लोग शोल्डर जॉइंट करते हैं सेम वैसे ही जॉइंट करना है। डबल सिलाई मार देंगे,
एम्ब्रॉयडरी हम यहाँ पे पूरी पाइपिंग लगा लेते हैं। अभी आपने देखा है दोस्तों, मैंने पहले फिटिंग कर लिया, जैसे अपने नॉर्मल फिटिंग करते ब्लाउज में वैसे ही करना है, उसमें कुछ करना नहीं है। खाली इसमें हम लोग ने खाली अलग चेंज किया है हुक पट्टी आई पट्टी का। ओके, पूरा पाइपिंग है, पीछे का भी मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों। ओके, अभी हम इसमें चैन लगाने वाले हैं, सीधे कर लेंगे। अभी जो हमने ये चैन ली हुई है, इसकी नाप की चैन ले ली मैंने। अभी यहाँ से हल्का सा हम फोल्डिंग करेंगे और इसको ऊपर से टच करना है। ओके, हम नीचे ले लेंगे ये थोड़ा, और कोने में से सिलाई, इसमें हमने दाब चेंज किया दोस्तों। ये हमारे बूट है, मैंने दूसरा लगाया है, इससे ही चेन लगती है, दूसरे से चेन नहीं लगती है दोस्तों। दूसरे से भी लगती पर इतनी फिनिशिंग नहीं आती है। ओके, दोरा निकल गया, कोई बात नहीं, हम लगा लेते दोरा। एकदम कोने में ही लगाना है सिलाई, आपने देखना है। ऊपर ले लेंगे चैन, ऐसा लगता ही नहीं कि हमने घर पे सिला, ऐसा लगता है रेडीमेड ब्लाउज है। ओके, अभी हम दूसरे भी चैन ऐसे ही लगा लेते हैं। सेम माप में ही लेना है, कुछ गड़बड़ नहीं करनी है। हमें एक ही दाब लगा, इसमें दो दाब भी आता है, पर हमने एक दाब में ही दो काम चला लेते हैं। कौन डबल डबल काम करता बैठेगा, है ना, ऐसे ही। अभी हम चैन नीचे खींच लेंगे, थोड़ा यहाँ से हम हल्का सा फोल्ड कर लेंगे, अंदर से कर लेना है क्योंकि हमको चुभना नहीं चाहिए। ओके, ये हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है दोस्तों। देखा ना, मैंने किसे 2 मिनट में चेन लगा दी। जो एक्स्ट्रा धागा दोरा कुछ होगा हमने कट कर लेना है। ओके, अभी आपने देखा है दोस्तों मैंने कैसे लगा दी। ओके, ये फ्रंट साइड डिज़ाइन हमारी चैन वाली, अभी हम बैक साइड बता दे। अभी आपने देखा ये पीछे का ही डिज़ाइन है, यहाँ हम लटकन भी लगा सकते हैं। आपको लटकन चाहिए तो लटकन भी लगा सकते हो, ऑप्शन दे रही हूँ, पर मुझे नहीं लगाना है लटकन, ऐसे मुझे अच्छा लग रहा है। आपको बता रहे तो लटकन भी लगा। अपना ब्लाउज रेडी हो गया है दोस्तों पूरा एकदम अच्छी तरह से। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों।